अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, मेरा नाम राहिल अमीन मलिक है। मैं कस्बा खुल नूराबाद का रहने वाला हूँ। और मेरा जो ये JKPSC में अटैम्प्ट था, ये मेरा पहला अटैम्प्ट था। मैंने 2021 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और 2020 में मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुई थी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू। और मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो हुई है यहीं से, अपने छोटे से गांव से ही, जिसका नाम है कस्बा खुल नूराबाद। हनफिया नूरानी पब्लिक स्कूल से मैंने बेसिक एजुकेशन प्राप्त किया, उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज, और मैंने JKPSC 2021 में 109 रैंक हासिल किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। सर, ऑफकोर्स सर, मेरे फादर साहब टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, तो मैं ये बिलीव करता हूँ। पहले तो मेरी जनरल एजुकेशन वो प्राइमरी लेवल की, वो हनफिया नूरानी पब्लिक स्कूल में हुई, उसके बाद तो गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ एंड तक। तो मेरा तो सबसे पहले मानना ही यही है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है ये बच्चों को तैयार करते हैं, अगर वहाँ पे फोकस किया जाएगा पूरा बच्चों पे, अगर वहाँ पे टीचर ध्यान दे, टीचर कैपेबल हो। लेकिन उसमें बच्चों का भी बहुत रोल रहता है कि बच्चे कितने रिसेप्टिव हैं, बच्चे कितना लेना चाहे, उनको नॉलेज गेन होने का उनकी ग्रीड कितनी है। तो सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल है इनमें बहुत सारी कैपेबिलिटी है, बस हमें वो कैपेबिलिटी जो है वो उनको निखारना है और उनको बोलना है कि आप आगे लेवल पे आ जाओ। सर, मैं आपको सच बताऊं कि मुझे बचपन से कोई ऐसा गोल नहीं था जो मैंने आज ही अचीव किया, ये तो मैंने बचपन में तो मुझे पता भी नहीं था। मैं जो चीजें करता था, जैसे घर वाले मुझे बोलते थे आप जाओ, आपको अगर खेलना है आप जाके खेल लो, आपको अगर पढ़ना है आप जाके पढ़ लो, तो मैंने इन चीजों पर कभी ध्यान नहीं दिया कि मुझे अभी IAS करना है, KAS करना है। मैं अपनी प्रोसेस को बड़ा एंजॉय करता था। सर, कोविड में मैं घर में था, मैंने घर में बहुत सारे काम किए, हमने पार्क बनाई, अलग अलग चीजें की, क्रिकेट खेला, तो मेरा फोकस कभी नहीं था कि मैं मुझे जाके IAS बनना है, KAS। भाई, एक मिथ है सर कि इसको बचपन से ही शायद किसी ने बोला होगा, इसको बचपन से ही कोई मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन तो मेरे फादर साहब है, मेरे ब्रदर है इरफान अमीन मलिक, मेरे बहुत सारे गाइड है, मेरे मेंटोर है सबजार भाई है, मेरे दोस्त है रासिक भाई है, तो इन सब लोगों का हाथ रहा है प्रिपरेशन में। और ऐसा कोई भी नहीं है कि मेरा बचपन से इसमें, एक कॉन्शियस डिसीजन था, मैंने लिया था कॉन्शियस डिसीजन कि मुझे सोशल वर्क में जाना है, लोगों के साथ काम करने में मुझे ज्यादा मजा आता है, तो उस हिसाब से मैंने ये स्टेप लिया था। सर, बिल्कुल, हनफिया नूरानी पब्लिक स्कूल में हमारे एक उस्ताद साहब थे, नूर मोहम्मद साहब थे वहाँ पे, जिन्होंने हमारी जो बेसिक एजुकेशन में बहुत रोल रहा है उनका। वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स का नाम है, मैं तो नहीं ले पाऊंगा सबका, और उन सबका मैं शुक्रिया अदा कहना। जैसे मंजूर साहब थे हमारे खुल नूराबाद के, ऐसे मेरे फादर साहब तो खुद टीचर रहे, और मेरे सबसे बड़े मेंटोर मेरे बड़े भाई इरफान अमीन मलिक, जिनका अपना एक इंस्टीट्यूट है, ये तो सबसे बड़े मेरे मेंटोर और मेरे डेडिकेटेड एक स्टैंड रहे हैं हमेशा।